बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल ज़ुबैर टेक सोलो सॉफ्ट चैनल की जानब से आइडिया सॉल्यूशन फॉर GDP 614 स्प्रिंग 2020। दोस्तों, ये जो GDP है इसका सिनेरियो पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये मैं आपको समझा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं अपना सॉल्यूशन आपको आपके साथ डिस्कस करूँगा, वो आपको समझाऊँगा। अगर तो आपको मेरी बात पसंद आ गई, आपको मेरी बात समझ आ गई, तो मेरे वाला सलूशन ही करेक्ट सलूशन है। अदरवाइज़ आप मुझसे डिनाई कर सकते हैं, डिसएग्री हो सकते हैं। हमें जो क्विज दिया गया था, हमें जो टास्क दिया गया था, वो कुछ यूं था कि एक सुपर स्टोर है, गुल सुपर स्टोर। वो डील्स करता है किससे? कॉस्मेटिक्स, फार्मास्यूटिकल, स्टेशनरी, बेवरेज, टॉयज, ग्रॉसरी, ETC। और वो 1999 तक तो वो मैनुअल काम करता रहा है, और 2000 से ऑनवर्ड उसने इलेक्ट्रॉनिक मतलब डेटाबेस अपना बना लिया। अब करना क्या है? वो कहते हैं अभी भी इसके अंदर ना कुछ कमियां हैं जो उन्होंने डेटाबेस बनाया। क्या कमी है? शेल्फ मैनेजमेंट की कमी है। एक चीज़ याद रखनी है, पहले क्वेश्चन समझ लें, शेल्फ मैनेजमेंट की कमी है, और दूसरी जो कमी है वो है कस्टमर सेगमेंटेशन की कमी है। अब मैं दोनों चीज़ें आपको समझाता हूँ, ये होती क्या है। आप सुपर स्टोर में चले जाते हैं, लाहौर में बहुत बड़े सुपर स्टोर हैं, कराची में हैं, इस्लामाबाद में हैं। आप देखते हैं कि ग्रॉसरी आइटम एक जगह होते हैं, स्टेशनरी आइटम एक जगह, कॉस्मेटिक्स एक जगह, फार्मास्यूटिकल एक जगह, वेजिटेबल्स वगैरह एक जगह। क्या किया हुआ उन्होंने? लैदा लैदा ग्रुपिंग की हुई है उसकी। ये होगी शेल्फ मैनेजमेंट, ठीक हो गया। अब कस्टमर सेगमेंटेशन क्या होती है? कस्टमर सेगमेंटेशन ये होती है कि लोग ध्यान रखते हैं कि किस एज के लोग कौन सी चीज़ खरीदते हैं और किस तरह की चीज़ खरीदते हैं, कौन से लोग कौन सी चीज़ खरीदना पसंद करते हैं। ये से कहते हैं पैटर्न रिकग्निशन, परचेजिंग पैटर्न रिकग्निशन। अब उससे क्या होता है कि इन्हें पता लगता है कि इस एज के लोग इस फैमिली से बिलोंग करने वाले, मतलब रिच, मीडियम, ये इस तरह की चीज़ खरीदना पसंद करते हैं। डाटाबेस बनता जा रहा है ना, उसकी बेस पे फिर उन्हें ऑफर्स करते हैं, प्रमोशंस देते हैं कि आप अगर ये चीज़ खरीदेंगे तो हम आपको ये डिस्काउंट देंगे, आपके लिए ये बेनिफिट्स हैं। इसे कहते हैं कस्टमर परचेजिंग रिकग्निशन। अगर आप ये कर लें कि कस्टमर किस तरह की चीज़ खरीदना पसंद करता है, किस एज में, किस रिलीजन में, किस एरिए में, तो आप अपनी सेल बहुत अच्छी कर सकते हैं। इसे पैटर्न रिकग्निशन या से सेगमेंटेशन कहते हैं। सेगमेंटेशन यही होती है, अलग-अलग आप उस चीज़ों को देखें कि किस तरह से लोग परचेज़ कर रहे हैं। हमने ये दो चीज़ें बेटर करनी थी। अच्छा, इसके लिए सर ने कहा कि आप मुझे बताएं कि कौन सी टेक्निक यूज़ होगी। शेल्फ मैनेजमेंट के लिए जो टेक्निक यूज़ होगी वो क्लस्टर मैनेजमेंट डाटा माइनिंग है, और टेक्निक फॉर कस्टमर सेगमेंटेशन वो भी क्लस्टर डाटा माइनिंग है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं आपको दिखाता हूँ क्यों। आप अपनी बुक में देखें, वहाँ पे भी यही है कि अगर आपने सेगमेंटेशन करनी है, ग्रुपिंग करनी है, तो आप क्लस्टर डाटा माइनिंग टेक्निक के साथ जाएं। ग्रुप आप चैप्टर भी देख सकते हैं ना, वहाँ पे भी यही है। अब देखें हमने करना क्या है। यहाँ पे हमारे पास स्टेशनरीज है, एक ग्रुप बन गया स्टेशनरी का, एक बन गया क्रॉकरी का, फार्मास्यूटिकल, मैनी मोर है उनके पास, हम उनका ग्रुप कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब सेगमेंटेशन हमने ध्यान रखनी है, बिल्कुल प्योर अल्फाज में बुक के अंदर भी लिखा हुआ है कि क्लस्टरिंग यूज़ फॉर सेगमेंटेशन, क्लस्टरिंग यूज़ फॉर सेगमेंटेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लस्टरिंग सेगमेंटेशन के लिए भी जो टेक्निक यूज़ होती है वो क्लस्टरिंग होती है। और मैं सेगमेंटेशन आपको समझा आया हूँ कि परचेजिंग पावर, रिकग्निशन ऑफ परचेजिंग पावर जो होती है वो डेटा माइनिंग के अंदर सेगमेंटेशन होती है। नेट के अंदर भी वाई यूज़ क्लस्टरिंग डाटा माइनिंग, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ग्रुप ऑफ डिफरेंट डाटा ऑब्जेक्ट इज क्लासीफाइड एज सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उसमें से सिमिलर को आपने इकट्ठा करना है। सिमिलर से मराद स्टेशनरी एक जगह होगी, ठीक हो गया, क्रॉकरी एक जगह आ गई, स्टेशनरी एक जगह आ गई, फार्मास्यूटिकल एक जगह आ गया। वन ग्रुप मीन अ क्लस्टर ऑफ डाटा, एक तरह का ग्रुप का मतलब एक तरह का डाटा आपने इकट्ठा कर लिया। डाटा सेट्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स इन द क्लस्टर एनालिसिस व्हिच इज़ बेस्ड ऑन द सिमिलरिटी ऑफ द डाटा। अच्छा, क्लासिफिकेशन में ध्यान रखिएगा, क्लासिफिकेशन में प्रॉपर्टीज़ की बेस पे होता है। प्रॉपर्टीज़ मतलब गुड बैड, जस्ट लाइक दैट, गुड बैड। एक हमने एक बंदों का ग्रुप बना लिया जो कि अच्छे हैं, एक का बना लिया जो कि
गंदे हैं, ऐसा समझ लें आप। स्टूडेंट्स की बात कर लें, कुछ निकम्मे हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ ब्रिलियंट हैं, कुछ नॉर्मल हैं, ये क्लासिफिकेशन है वहाँ पे बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज़ की बेस पे नहीं कर रहे। एक और चीज़ जो है कि वहाँ पे रीशफल नहीं आप कर सकते, मतलब बैड को गुड तो नहीं कर सकते आप, गुड को बैड नहीं करते आप। तो इसलिए यहाँ पे मैं क्लस्टरिंग डाटा माइनिंग टेक्निक यूज़ की है कि एक तो आप ग्रुपिंग कर रहे हैं और फिर रीशफल कर सकते हैं, चीज़ों को उठा के एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को एक जगह से उनकी जगह बदल सकते हैं। इसलिए मैंने क्लस्टरिंग डाटा माइनिंग टेक्निक का यूज़ किया। अब मैंने आपको बता दिया, उसके आगे चल लेते हैं, यहीं से देख लेते हैं। विच इज़ बेस्ड ऑन द सिमिलरिटी ऑफ द आफ्टर द क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा इनटू वेरियस ग्रुप लेबल इज असाइन टू द ग्रुप इट हेल्प्स अडॉप्टिंग द चेंज बाय डूइंग द क्लासिफिकेशन। अच्छा जी, एप्लीकेशन कहाँ पे हैं? देर आर मैनी यूज ऑफ डाटा क्लस्टरिंग एनालिसिस सच एज इमेज प्रोसेसिंग, डाटा एनालिसिस, पैटर्न रिकग्निशन जिसे मैं मार्केट रिसर्च जिसे मैं सेगमेंटेशन कह रहा हूँ। इन पॉइंट्स की वजह से मैंने क्या किया है, क्लस्टरिंग डाटा माइनिंग टेक्निक को चूज़ किया है आपके सोल्यूशन के लिए। डाटा क्लस्टरिंग कंपनीज कैन डिस्कवर न्यू ग्रुप इन डेटाबेस ऑफ कस्टमर्स सेगमेंटेशन क्लासिफिकेशन डाटा इन आल्सो डन बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ द परचेजिंग सेगमेंटेशन। ठीक हो गया, ये मैं आपको बातें समझा दी। अब चलते हैं, मैंने जो सोल्यूशन लिखा हुआ आप अपना बदल के लिखिएगा, अल्फाज इसी को घुमा फिरा के बेशक लिखें मगर लिखें डिफरेंट। According to the given scenario, the suitable data mining technique is clustering because a set technique is used when we have product of similar traits. We want to segment of customer and clients. Suitable for shelf management because find out the group of object which are similar to each other in the group but are the different from the object in the other group. Clustering will use due to market discover distinct group in their customer base and they can characterize their customer groups based on their purchasing pattern segmentation. चलिए दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें ताकि टाइमली एक्यूरेटली सोल्यूशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपने देखा चैनल के ऊपर ग्रैंड क्विज हों, असाइनमेंट्स हों, GDBs हों, टाइमली और एक्यूरेटली आपको सोल्यूशन मिलता है और जिससे आपका फ़ायदा होता है। तो मोटिवेशन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।